मैहर पुलिस ने अवैध गांजे का धंधा करने वाले गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 8 किलो मादक पदार्थ गांजा के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग अवैध मादक पदार्थ गांजे की बिक्री के लिए खैरा की ओर जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर गांजा तस्करों को वाहन समेत धर दबोचा। गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को 8 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 75,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हमें ये मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना मैहर के ग्राम खैरा में एक UP 46 AA 1010 नंबर की गाड़ी है, सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो, जिसमें गांजे की जो खेप है वो ले जाई जा रही है। तो सूचना के दौरान तुरंत हम लोगों ने कार्रवाई की, घेराबंदी करके गाड़ी को पकड़ा, जिसमें से गांजा और 6 लोगों को गिरफ्तार करके पेश किया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।